Now students, in this question we are given a simple harmonic motion by a graph having time 1, 2, 3 and on negative axis minus 1 and minus 2. And the position is represented by this sinusoidal curve. Again, we have to find position x, velocity and acceleration at time 0.3 second t1, okay, t2 1.2 second and t3 minus 1.2 second. Now students, first of all, you have to know that acceleration under simple harmonic motion, mathematically, the acceleration is given by minus omega square x. This is the double derivative equation of simple harmonic motion. अभी तक तो हमने simple harmonic motion के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा. But 11th क्लास के ही जैसे हम लास्ट यूनिट तक जाएंगे, वहां पे हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ओसिलेशन, वेव एंड ओसिलेशन चैप्टर के अंदर. सो स्टूडेंट्स, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो उसकी इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट करवाई जाती है. एंड नाउ एज एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, नाउ देखिए t1 0.3 सेकंड पे हमारा ग्राफ 0.3 सेकंड पे मान लो यहां पे रहा होगा. एंड एज वी नो एक्स हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू, सो एट t1 एक्स इज नेगेटिव. एक्स इज नेगेटिव, व्हाट इज अबाउट वी, वेलोसिटी. वेलोसिटी देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप निकाल देते हैं तो वो क्या आता है, वेलोसिटी. स्लोप निकालेंगे आप, इसका स्लोप निकालूंगा तो देखो, अलग से एक बार मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के अंदर करके दिखाता हूं इन पॉइंट्स का स्लोप. स्लोप निकालने के लिए टाइम एक्सिस में चेंज और वेलोसिटी एक्सिस में चेंज, दोनों चेंज देखना पड़ता है. और दोनों चेंज देखो, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव चेंज आ रहा है, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव चेंज आ रहा है, बट टाइम में जो चेंज आया वो पॉजिटिव आया. एंड चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इज वेलोसिटी. सो कैन आई से वेलोसिटी इज नेगेटिव, बिकॉज चेंज इन पोजीशन इज नेगेटिव. अगर चेंज इन टाइम भी नेगेटिव होता तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती, जैसे कि इस सेक्शन में है. यहां पे अभी निकाल दे, देखो 1.2 सेकंड, एट 1.2 सेकंड 1.2 माइनस 1.2 यहां पे आएगा. इस पॉइंट पे देखो x की वैल्यू तो नेगेटिव है, बट जब मैं वेलोसिटी देख रहा हूं इसी पॉइंट पे, जैसा कि हमें दिख रहा है, स्मॉल चेंज इन एक्स वो भी नेगेटिव, स्मॉल चेंज इन टाइम वो भी नेगेटिव. सो वेलोसिटी इज व्हाट इन पोजीशन टाइम ग्राफ, स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम. इन दोनों का ही डिवीजन होता है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकाला जाता है वही वेलोसिटी होता है, और स्लोप के अंदर आता क्या है, स्लोप. देखो ध्यान से देखो, ये देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर मैं स्लोप निकालूं, ये क्या होगा, ये स्लोप, स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना. अगर स्मॉल चेंज इन पोजीशन भी नेगेटिव, स्मॉल चेंज इन टाइम भी नेगेटिव, दोनों का डिवीजन क्या देके जाएगा आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा. नाउ अगर मैं एक्स को यहां पे पुट करूं नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव. इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. ओके, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड केस एट टाइम माइनस 1.2 सेकेंड. ये देखिए एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन क्या रही होगी, एक्स अगर नेगेटिव पुट करूं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल के आएगी. एंड दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट केस. इन सेकेंड केस एट 1.2 सेकेंड, देखें 1.2 सेकेंड अप्रोक्सली हियर एक्स इज पॉजिटिव, टी इज ऑल्सो पॉजिटिव. एक्स यहां पे x2 इज पॉजिटिव, इस टाइम पे टाइम भी पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए मैं वेलोसिटी कह रहा हूं पॉजिटिव होगी. क्यों, स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड स्मॉल चेंज इन टाइम बोथ आर पॉजिटिव. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन एज एक्स इज पॉजिटिव, यहां पे पुट करेंगे पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव यहां पे है ऑलरेडी, तो एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव. ओके, दीज आर द एनालिसिस ऑफ ऑल
3 केसेस. ओके, थैंक यू.